जय जिन इन सभी को भारत के गणित विशेषज्ञों के द्वारा शोध में बताया गया है कि 3 जून को शादी करने वाले दंपतियों की रचनात्मक रूप से शादी अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छी मानी गई है। ऐसे एवं ऐसे लोग गुणों से भरपूर होते हैं। इसी गुणों का फायदा उठाते हुए नागपुर निवासी श्री खूबचंद जी एवं रुक्मणी जी के सबसे छोटे सुपुत्र श्री प्रदीप जी जैन ने पेंड्रा निवासी श्री मानिक चंद जैन एवं कुसुम जैन के सबसे छोटी एवं लाडली सुपुत्री श्रीमती सरिता जैन के साथ विवाह सन 1987 में किया था और ये आज तक की सबसे अच्छी शादी मानी गई है। जून माह के भीषण गर्मी में बारातियों एवं घरातियों ने दिन में दही बड़े, पानीपुरी, झोलियां, शाम में आइसक्रीम, आम रस, कुल्फी का जमकर लुत्फ एवं आनंद उठाया। उत्सवी माहौल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में भी परिवारजनों एवं परिचित लोगों ने इन दंपतियों को अपना बधाई एवं आशीर्वाद दिया है। और आज के दिन 3 जून 2020 में निसर्ग साइक्लोन जैसे तूफान ने भी इन दंपतियों को बधाई दी है। उपरोक्त समाचार के लिए मैं रितिका जैन आप सभी को स्टूडियो लेकर चलती हूँ। जय जिनेन्द्र। तुम लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी एंड मौसा जी। आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। मेरे आत्मीय बहन सरिता एवं स्मार्ट बनोई प्रदीप, आप दोनों को 33वीं शादी की वर्षगांठ की राकेश, रश्मि, रसालिका, पारस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा अपना स्नेह बनाए रखिए। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। एनिवर्सरी मौसी मौसा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी एंड मौसा जी। मौसा जी, मौसी जी, दादी की सालगिरह आप दोनों को मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी एंड मौसा जी। हैप्पी एनिवर्सरी नाना एंड नानी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी एंड मौसा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे प्यारी मौसी एंड मौसा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसा जी एंड मौसी। हैप्पी एनिवर्सरी नाना नानी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी 33 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस टू बोथ ऑफ यू। आप बस यू ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आप लोग दोनों जन हम लोगों को आशीर्वाद देते रहो। आप मैंने एक ऐसा कपल देखा है जिसको कभी फाइट करते नहीं देखा। एक्चुअली यू गाइज आर लवली अमेजिंग कपल। सो विश यू हैप्पी एनिवर्सरी लॉकडाउन वाला विद कोरोना वाला। बाय बाय। बाय। टेक केयर। से बाय। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। आज 33 इयर्स हो गए। 33 इयर्स से आप लोगों ने एक दूसरे का साथ जिस तरीके से दिया है बहुत बड़ी बात है। हम सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे का साथ दियो, हमारा ख्याल रखा है, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरा बहुत मन होता है कि मैं आऊँ, बैठूँ, आपके साथ खाऊँ, बातें करूँ, बट हम ज़रूर करेंगे। ये जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं साल के एंड में आता हूँ, कोशिश करता हूँ और हम बैठ के बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए और कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं हूँ हमेशा। प्लीज़ एक दूसरे का साथ ऐसे ही दीजिए। पापा, मम्मी, आई लव यू, मिस यू, टेक केयर। हेलो मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू बोथ।
आज आपकी शादी को 33 इयर्स हो गए, लेकिन इतने सालों बाद भी जैसे आप एक दूसरे को चिढ़ाते हो, एक दूसरे का उतना ही ध्यान रखते हो, मुझे बहुत क्यूट लगता है आप दोनों के बारे में। ये हमेशा ऐसे ही रहना, हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है आपसे, खुश रहना, साथ रहना। कल रात को जब मैं पापा से बात कर रही थी तो मुझे बोले मैं 33 इयर्स का हो गया। पहले तो मैं समझी नहीं, फिर बाद में मैं पूछने लग गई कि कैसे गई है 33 इयर्स, तो खुश होके बोले बड़े अच्छे गए और जल्दी निकल गए, पता नहीं पड़ा। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। होपफुली हम आपकी 50th एनिवर्सरी जल्दी मनाएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हम लोग हैं आपके साथ और हमेशा आपकी जोड़ी ऐसी बने रहे। टेक केयर। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आई विश अभी इस टाइम में आप लोगों के साथ होती तो हम लोग साथ में कहीं जाते, बाहर सेलिब्रेट करते और मजे करते, बातें करते, बट नहीं हो पाया। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। जैसे आप लोग एक दूसरे की इज्जत करते हो, इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हो, कभी एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते हो, ये सब चीजें मुझे आपसे सीखना है। हाय बड़ी मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी आपको और चाचा को। मे गॉड गिव यू सो लॉन्ग लाइफ और आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में रहो। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हैप्पी एनिवर्सरी। आई होप आप लोग वहाँ पे खुश हैं, सेफ हैं, कोरोना वायरस ये सब चल रहा है वहाँ पे, तो घर के बाहर ज़्यादा मत निकलना अनलेस कुछ ज़रूरी काम है तो। पर घर में पार्टी ज़रूर करना, एंजॉय करना, खुश रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, बहुत याद आती है आप लोगों की। आई होप ये सब सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए, फिर अंकित इंडिया आ जाए, फिर हम लोग सब फिर से मिल सकते हैं जल्दी से। बस इतना ही आंटी, अपना ख्याल रखना आप दोनों। हैप्पी एनिवर्सरी अगेन, बाय।